खुसूसियत को पेश नज़र रखते हुए इस महीने में जवान नस्ल की ज़रूरत और हम सब की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इस माह मुबारक में जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है मासूमीन की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी मासूमीन की ज़िंदगी की रोशनी में, सीरत मासूमीन और हमारी ज़िंदगी सीरत मासूमीन की रोशनी में। मैंने कल आप हज़रात की खिदमत में जो बात शुरू की थी वो ये कि अल्लाह ने हम इंसानों के लिए जो हिदायत का इंतज़ाम किया है उसके दो हिस्से हैं, एक किताब है और एक हादी है, लेकिन इन दोनों में अलैकुमुस्सलाम अगर नज़र डालें और तवज्जो दें तो ये महसूस होगा कि आदमी किताब के बग़ैर तो
रह सकता है लेकिन हादी के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए कि जनाब आदम कोई किताब लेके नहीं आए थे। दूसरे भी बहुत से अंबिया जो आते रहे हैं वो किताब नहीं लाए हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान की खिलकत से पहले हादी पैदा कर दिए हैं जो इस बात को समझाते हैं कि इंसान किताब न हो और हादी मौजूद हो तो हिदायत हासिल कर सकता है, लेकिन अगर हादी नहीं है और सिर्फ किताब है तो ज़रूरी नहीं है कि आदमी राह हिदायत पे बाकी रह जाए। इससे हादी की ज़रूरत का एहसास होता है। मैंने कल जो बात कही थी कि हम खुशनसीब हैं कि हमको परवरदगार आलम ने इस उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया है जिसको आखिरी किताब मिली है, आखिरी नबी मिला है और आखिरी इमाम मिले हैं। मैं उसकी ज़रा से आज वजाहत करना चाहता हूँ सीरत मासूमीन पर गुफ्तगू तक पहुँचने के लिए, कि इस खुशनसीबी पे अगर नज़र डालें मेरे इन जुमलों का क्या मकसद है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने 124,000 नबी जो भेजे हैं, ये 124,000 की तादाद क्यों आई है? 313 रसूल क्यों आए? इतनी किताबें क्यों आईं? 4 शरीयतें क्यों आईं? तो रोज़ आप मजलिसों में सुनते हैं और ये बात आपके इल्म में है कि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ती रही उस एतबार से हिदायत के निज़ाम को अल्लाह तफसील से भेजता रहा। इब्तदा में इंसान एक कुनबा था, एक घर था, एक फैमिली थी सिर्फ, जनाब आदम की फैमिली। फिर उसके बाद वो फैमिलीज मुख्तलिफ, वो फैमिली कई फैमिलीज में तकसीम हुई, फिर वो ख़ानदान बने, फिर कबीले बने, फिर नस्लें बनी। तो जो अल्लाह की तरफ से इंसान की ज़रूरत थी उस ज़माने के इंसानों के लिए अल्लाह ने अपने नबी को वो दे के भेजा। जो उस वक्त के इंसानों की ज़रूरत थी उस ज़माने के इंसानों को जितनी हिदायत चाहिए थी उतनी हिदायत अल्लाह ने किताब के हवाले करके किताब इंसानों तक पहुँचा दी। मैं जिस पॉइंट की तरफ आपके जहनों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब आदम से जनाब नूह तक, बीच में और अंबिया भी आए हैं, लेकिन नूह वो पैगाम लाए हैं हिदायत का जिनमें वो बातें भी हैं जो आदम लेके नहीं आए थे। जनाब आदम जितना ले आए हैं दीन उसी को रिपीट नहीं किया है जनाब नूह ने। जनाब आदम के बाद जनाब नूह हिदायत के लिए वो चीज़ें लाए हैं जो दौर आदम में नहीं आई थी। जनाब नूह के बाद मसलन जनाब इब्राहिम उलुल अज़्म पैगंबर हैं, तो जनाब इब्राहिम फिर एक शरीयत लेके आए, यानी अब दीन के और चीज़ें आई हैं जो जनाब नूह के दौर में नहीं आई थी। हिदायत के वो पॉइंट्स, वो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई की बातें जो नूह के दौर में नहीं आई थी, इसलिए इंसान को ज़रूरत नहीं थी या इंसान उसके लायक नहीं हुआ था। अब इंसान की ज़रूरत बढ़ी है, इंसान उसके लायक हुआ है, तो इब्राहिम वो पैगाम हिदायत लेके आए हैं जो नूह नहीं लाए थे, लेकिन वो भी लाए हैं जो नूह लाए थे। आदम के पास वो है जो भी है वो नूह के पास है, लेकिन नूह जो पैगाम लेके आए हैं वो सब आदम के पास नहीं है। जनाब नूह के पास जो है वो पैगाम इब्राहिम के पैगाम में भी है, लेकिन जो जनाब इब्राहिम के पास है वो सब का सब जनाब नूह के पास नहीं है। अगर आप इस बात की तरफ मुतवज्जे हो गए, मिसाल के तौर पर तौरात, जबूर, इंजील, कुरान 4 किताबें हैं। तौरात उसमें तरतीब के लिहाज से पहली किताब है, तो तौरात में जो कुछ आया हिदायत के लिए उस दौर के इंसानों के लिए, अब इंजील में उससे आगे भी कुछ आएगा, तभी तो इंजील की जरूरत है वरना तौरात रहती। तौरात से, इंजील से, जबूर से आगे अगर कुरान आया है तो कुरान को में वो है जो तौरात में अब तक नहीं आया, जो इंजील में अब तक नहीं आया, जो जबूर में अब तक नहीं आया। ये दूसरी बात हो गई, यानी हर अगला नबी और रसूल हिदायत के कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आता है, कुछ हिदायत का ऐसा मवाद और मटेरियल लेके आता है जो पिछले नबी और रसूल लेके नहीं आए हैं। तो अब फिर अब एक और बात मुझे कहने दीजिए कि जब दौरे जनाब आदम में जो इंसान है उन्हें वही तो हिदायत का हिस्सा सामान मिलेगा जो आदम लेके आए हैं, लेकिन जो नूह लेके आए हैं वो आदम के दौर की उम्मत को
नहीं मिलेगा, लेकिन जो दौरे नूह में आया है उसे वो हिदायत भी मिलेगी जो नूह लेके आए हैं, और वो सामान्य हिदायत भी मिलेगा जो आदम लेके आए थे। अब इसी तरह से अगर आप चले आए जनाब ईसा तक पहुंचते पहुंचते, जो जनाब ईसा की उम्मत को वो हिदायत भी मिली जो मूसा लेके आए थे, वो हिदायत भी मिली जो नूह लेके आए थे, वो हिदायत भी मिली जो इब्राहिम लेके आए थे, वो हिदायत भी मिली जो आदम लेके आए थे, लेकिन मूसा की उम्मत को वो नहीं मिला जो ईसा लाए। आप हैं आखिरी किताब के मानने वाले, आप हैं आखिरी रसूल के मानने वाले, और रिसालत के खात्मे के बाद अल्लाह ने इमामत शुरू की। इमामत किस लिए? तफसीर रिसालत बन के आई है। इमामत और रिसालत का वही रिश्ता है जो कुरान और उसकी तफसीर का रिश्ता है। कुरान की तफसीर का जो ताल्लुक है, उसी तरह से मासूमीन की सीरत का ताल्लुक पैगंबर की सीरत से है। वो कुरान की तरह है, ये उसकी तफसीर की तरह है। अब पहले इमाम आए उस दौर के इंसानों के लिए, उन्होंने दीन की तफसील बयान की और दीन की हिफाजत का काम किया और हिदायत इंसानी का काम किया। फिर दूसरे इमाम आए, उन्होंने भी पैगाम हिदायत दिया। फिर तीसरे इमाम आए, उन्होंने भी पैगाम हिदायत दिया। तो हर दौर का इमाम उस दौर के इंसानों को पैगाम हिदायत दे रहा है। अब आपसे मेरा सवाल है, अली मौला अली के दौर में जो इंसान आया और दुनिया से चला गया, उसे वो पैगाम हिदायत तो मिलेगा जो मौला अली लेके आए, लेकिन हालात जमाना बदलने के बाद, इंसानी जरूरियात बढ़ने के बाद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेके आए हैं, पैगाम का जो हिस्सा अपनी कौम के सामने पेश कर रहे हैं, जो मौला अली के जमाने में पेश नहीं हुआ है, उस वक्त इंसानों की या जरूरत नहीं थी, या हालात नहीं थे, या वक्त का तकाजा नहीं था, शरीयत तो मौजूद थी, तफसीर की जरूरत नहीं थी, इल्म उतना नहीं आया है, अभी यूनान से किताबें तर्जुमा होके नहीं आई, अभी फलसफे की बहस शुरू नहीं हुई, अभी जिंदगी पैदा नहीं हुए है, तो अभी उन बातों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ेगी बात, तो रोज जरूरतें बढ़ेंगी, रोज उसके एतबार से हिदायत के पैगाम बढ़ेंगे। तो जो हुसैन के दौर में आया है, उसे वो भी हिदायत मिलेगी जो हसन देके गए, वो भी खजाना हिदायत मिलेगा जो मौला अली के देके गए। लेकिन जो मौला अली के दौर में चला गया, उसे वो पैगाम हिदायत सुनने को नहीं मिला जो मौला हसन ने पेश किया या मौला हुसैन ने पेश किया। इसी तसलसल से आप अइम्मा के दरमियान देखते चले जाए, जो आठवें इमाम की जिंदगी में आके चला गया, उसे आठ इमामों से हिदायत का पैगाम लेने का मौका मिला, लेकिन नवे इमाम से उसे पैगाम हिदायत जो मिलना है वो उसे नहीं मिला है। मेरे अजीजों, बस मैंने तीन बातें कही। पहली किताब का मानने वाला दूसरी किताब के हिदायत का फायदा नहीं उठा पाता, पहले नबी का मानने वाला दूसरे नबी की हिदायत का फायदा नहीं उठा पाता, पहले इमाम के दौर में दुनिया से चला जाने वाला दूसरे तीसरे दसवें ग्यारहवें बारहवें इमाम के हिदायत का फायदा नहीं उठा पाता। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हम आखिरी नबी के मानने वाले हैं, आखिरी किताब के मानने वाले हैं, आखिरी इमाम के दौर में अल्लाह ने हमको पैदा किया है, यानी आदम से लेकर खातम तक जितना पैगाम हिदायत है सब हमारे साथ है, कुरान से तक जितना पैगाम हिदायत मिला है वो सब हमारे साथ है, पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद जितना पैगाम हिदायत आया है वो सब हमारे हाथों में है, इसलिए हम सबसे खुशनसीब हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब दूसरी उम्मतों का कोई आदमी तो शिकवा करने की गुंजाइश भी रखता है, लेकिन हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमको हिदायत का मुकम्मल पैगाम आखिरी किताब, आखिरी नबी और आखिरी इमाम तक मिल चुका है। अब इसके बाद कल मैंने जुमला कहा था कि एक सूरज जो उनके तुफैल में बना है, इसकी रोशनी हर जगह पहुंच जाती है। हमारे पास तो हिदायत के इतने बड़े बड़े सूरज हैं जिनके तुफैल में सूरज बना है, फिर हमारी जिंदगी में कहीं तारीकी और जुल्मत और अंधेरा बाकी नहीं रह जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? बस आज फिर तकरीबन तमीली गुफ्तगु, कल से इंशाल्लाह पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ज़ाहिर है, कुल गुफ्तगु का वक्त आधा घंटा रखा गया, और उसमें भी कुछ आपकी ताखीर कुछ हमारी ताखीर मिला के 10 मिनट और कम हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या गुफ्तगु हो सकती है? एक एक शख्सियत अशरों तक गुफ्तगु की जाए तब कुछ गुफ्तगु हो सकती है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जाएगी मुख्तसर सही, लेकिन कोई ना कोई पैगाम और सीरत का एक मुख्तसर सा खाका पेश किया जा सके। मेरे अजीजों, मैं आज एक जायजा लेना चाहता हूं आप हजरात के सामने कि आखिर इतना सामान्य हिदायत हमारे हाथों में है, फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में जगह जगह
क्यों उसका असर नहीं दिखाई देता, उसकी वजह क्या है? उसमें से एक रुख है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल में आने वाले सारे अइम्मा ताहरीन, उनकी सीरत में उनकी फजीलतों के मुख्तलिफ रुख हैं। और सिर्फ ये वो खानदान है दुनिया में हर इंसान के पास एक कमाल या एक हुनर आता है और वो भी पूरा नहीं, कई खान कमाल और कई हुनर एक साथ जमा नहीं होते कि आदमी मुसल्ले का सबसे बड़ा इबादतगुजार भी हो और मैदान का सबसे बड़ा शजा भी हो। यह इस खानदान की सिफत है, सारे कमालात इनमें मौजूद हैं, सारी खूबियां इनमें मौजूद हैं और हर खूबी और हर कमाल अपनी आखिरी हदों पर इनकी जात में मौजूद है। अब इसके बाद हमसे कहां पे शायद चूक हुई है, हमने जब इनकी सूरत सीरत सुनना शुरू की, सीरत पढ़ना शुरू की, सीरत के तस्करे सुनना शुरू किए, तो हमने उसमें यह देखा कि उनकी फजीलतों में हमें कौन सी फजीलत के तस्करों में मजा आता है, हमें क्या अच्छा लगता है। मैं काबिले तवज्जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगी, हमें क्या अच्छा लगता है। तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा यह लगा कि उन्होंने दुश्मनों को यूं मारा, दुश्मना ने दीन का यूं मुकाबला किया, दर खैबर यूं उखाड़ के फेंका, यूं सर उड़ाए, एक वार में दुश्मन के दो टुकड़े कर देते थे, दो वार किसी दुश्मन पर नहीं करते थे। हमने उनके तस्करों को समेट के अपनी पसंद के दायरे में ला के सिर्फ चंद महदूद तस्करों में उनकी जिंदगी को अपने सामने रखा। उनका गरीब के साथ बर्ताव क्या था, वो नादारों के साथ सुलूक क्या करते थे, वो घर के अंदर बच्चों के साथ कैसे थे, वो दुश्मनों के साथ उनका सुलूक क्या है, चाहने वालों के लिए क्या है, वो लोगों के दरमियान इंतशार मिटाने के लिए क्या करते थे, वो अफवाहबाजी का मुकाबला कैसे करते थे, वो जिंदगी बसर करने के लिए इबादत इलाही के साथ साथ वसायल जिंदगी कैसे फराहम करते थे, वो बारगाह है खुदा में सजदे में पेशानी रख के गिरिया कैसे करते थे। ये जिंदगी के न जाने कितने ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारी उतनी निगाह नहीं पड़ी जितनी निगाह इस पर पड़ी कि उनकी तलवार कैसे चलती थी, वो सर कैसे उड़ाते थे, वो गर्दनें कैसे काटते थे। मेरे अजीजों में एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी खिदमत में, इंशाल्लाह आप उसकी कीमत को महसूस करेंगे। ये जो गर्दनें काटना दुश्मन को नीस तो नाबूद करना है, ये उनके ऊपर एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये उनका शौक नहीं है। सरों का काटना उनका फरीजा है लेकिन उनका शौक नहीं है, उनका शौक है सर को बारगाह इलाही में झुकाना। हमने सिर्फ इतना देखा कि जो उनका फरीजा है मगर उनका शौक नहीं है, हम उसके तस्करे करते रहे। जो उनका फरीजा भी है और उनका शौक भी है, उन तस्करों की तरफ हम कब गए हैं? जरूरत इसकी है कि हम उन तस्करों की तरफ जाएं जो उनका फरीजा भी है और जो उनका शौक भी है। उनका शौक है बारगाह खुदा में पेशानी रख के फरियाद करना, उनका शौक है रोजा खोलने के लिए बैठे और दरवाजे से कोई आवाज आ जाए कि मैं भूखा हूं तो अपने सामने का इफ्तार उठा के दे देना। उनका शौक है अपने घर का सारा माल राह खुदा में तकसीम कर देना। मेरे अजीजों, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लिहाजा मैं आज बात को यहीं पे रोक के, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि हमारी जिंदगी की जितनी जरूरतें हैं, जितने मसाइल हैं हयात के, चाहे वो हमारे आपस के ताल्लुकात हों, चाहे रिश्तों के मसाइल हों, चाहे कारोबार के मसाइल हों, चाहे सियासत के मसाइल हों, जिंदगी तिजारत और जिस तरह की भी जिंदगी के मसाइल हैं, उनके लिए सीरत के नमूने मासूमीन की जिंदगी में मौजूद हैं। हम आंखें बंद कर लें, यह हमारी महरूमी होगी, वरना उन्होंने जिंदगी का कोई गोशा खाली नहीं छोड़ा है जहां हिदायत का नूर उन्होंने पहुंचा न दिया हो। मैं जिंदगी की उन जरूरतों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। रोजमर्रा की गुफ्तगू से थोड़ा हट के मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन आप भी इंशाल्लाह, माह मुबारक रमजान है, अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए, दिलों की नूरानियत
और मानवियत को बढ़ाने के लिए आप भी इंशाअल्लाह इन इस राह पे मेरी मदद करेंगे और तआवुन करेंगे, और हम मिलजुल के मासूमीन की सीरत के तस्करों के साथ साथ अपनी जिंदगी को मासूमीन की सीरत से मुताबिक करके देखें और उन तब्दीलियों को पैदा करने की कोशिश करें जिसके बाद हम गुलाम अली कंबर के कदमों में कहीं जगह बना सकें, जहां फर सलमान फारसी और अबू ज़र ग़फ़ारी के खाके पा तक हम अपने आप को पहुँचा सकें ताकि हमारी शफात का भी इंतज़ाम हो जाए। थोड़ी सी कोशिश हमारी तरफ से ज़रूरत है, बाकी ज़रा सी कोशिश इधर से होती है तो भरपूर मदद उधर से होती है। हुर जिसने लजाम फरस पे हाथ डाला था, हुर जिसने हुसैन के खेमों को दरिया के किनारे नहीं लगने दिया था, हुर जिसने फरात पर पहरे बिठा के पानी पहुंचने पे पाबंदी लगा दी थी, वही हुर खाली आशूर की रात हुसैन के खेमों से उठती हुई मिली जुली आवाज़ों को सुन के बदला। कौन सी आवाज़ें? तकबीर और तहलील की आवाज़ों के साथ साथ बच्चों की अलअतश की आवाज़ें। बस एक अजीम इनकलाब पैदा हुआ, हुर ने कदम बढ़ाया, हुसैन ने मंजिल नजात तक पहुंचा दिया। हुर चले अपने कुनबे को छोड़ के नहीं चले, रवायात कहती हैं भाई को साथ लिया, बेटे को साथ लिया, गुलाम को साथ लिया, और वैसे चले जैसे एक मुजरिम गिरफ्तार करके लाया जाता है, कहा मेरे हाथों को मेरी पुश्त पे गर्दन पे बांध दो। बाद रवायात तो ये भी खुतबा से सुनने को मिली है कि अपनी आंखों पे पट्टियां भी बंधवाई और उसके बाद पहुंचे। का बेटा सूरत हाल बताते रहना, हुर के बेटे साथ साथ हैं। सूरत हाल ये कह रही है कि हुर का बेटा बता रहा है, बाबा हमारे इस्तकबाल के लिए हुसैन के खेमों में से हुसैन के चाहने वाले और असहाब निकल रहे हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न हौसजा, ज़ुहैर इब्न क़ैल हमारे इस्तकबाल के लिए बाहर आ चुके हैं। बाबा अब तो मुझे अकबर दिखाई दे रहे हैं, अब तो मुझे अबुल फजल अब्बास दिखाई दे रहे हैं हमारे इस्तकबाल के लिए। बाबा बस अब घोड़े से अपने को गिराओ, हुसैन शहजादा फातिमा जहरा का लख्त जिगर हमारे इस्तकबाल के लिए आया है। हुर हुसैन के कदमों की तरफ झुके, हुसैन ने सीने से लगाया। हुर शर्मिंदा हैं, आवाज दे रहे हैं, आका अजीब गरीब जुमले हैं, आपके इन अहले हरम के दिलों में डर मैंने बिठाया है, इन बच्चों को खौफजदा होने का सबब मैं बना हूँ, बच्चे आज प्यासे हैं तो इसमें कसूरवार मैं हूँ, मेरी बख्शिश का कोई रास्ता बाकी है कि नहीं बाकी है? हुसैन ने एक मरतबा हुर के दिल से उठी हुई आवाज को सुना और उसके बाद वो दुआ दी जो जमानत बन गई। हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। हुर को मौका मिला, हुर को मौका मिला, गुफ्तगू का आगे बढ़ाने का मौका मिला। कैसे मिला? हुसैन ने कहा, हुर तू मेरा मेहमान है, मगर तू देख रहा है मेरे खेमों के अंदर से मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, अलतश अलतश की आवाज़ आ रही है, हाय प्यास की आवाज़ आ रही है, कैसे तुम्हारी खातिरदारी करूँ? हुर मेरे घर में कुछ नहीं है। हुर ने हाथ जोड़े, मौला मेहमान माना है तो बस एक फरमाइश पूरी कर दें, मेरा ये जवान बेटा है इसे मक्तल में जाने की इजाज़त दे दीजिए। क्यों हुजूर, जवान बेटे को क्यों भेज रहे हो? पहले तुम जाओ शहादत का जाम पी लो, पहले बेटे का जनाजा क्यों उठाना चाहते हो? तो शायद हुर जवाब दे, मेरी आंखें देख रही हैं उस मंजर को कि जमीन करबला पर हुसैन का जवान लाल अली अकबर जब बर्छी खा के गिरेगा तो तन्हा हुसैन अपने जवान बेटे का लाश उठाएंगे। मैं चाहता हूँ मुसीबत मुझ पर पहले पड़ जाए, मगर लख्त जिगर फातिमा ने इजाज़त तो दे दी, मगर जवान बेटे को लाशा बाप को नहीं उठाने दिया। हुर की लाश पर हुसैन पहले, हुर के बेटे की लाश पर हुसैन पहले पहुंच गए। हुर तुमसे जवान बेटे की लाश न उठेगी, ये लाश हुसैन को उठा लेने दो। वसअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामन क़लमी यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जिन हजरात की तरफ से आज की इफ्तारी का इंतजाम है उनके मरहूमीन की तरवी के लिए एक बासुर हम लोग तीन बासुर तो तिलावत।